दोस्तों, अगर दांत गंदे पीले हो तो व्यक्ति बार बार मुंह खोलने में शर्माने लगता है, लेकिन उसके और भी कुछ ऐसे नुकसान हैं जिन्हें जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, जिन व्यक्तियों के दांत गंदे पीले और भद्दे होते हैं उसी के वजह से उनके पेट में शिकायत होती है, यानी कि पेट में दर्द और इन जैसी समस्या। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आया हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने गंदे पीले काले और भद्दे दांतों को बिल्कुल मोती की तरह सफ़ेद और चमकदार बना सकेंगे। तो दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि हमें इस नुस्खे को किस प्रकार से तैयार करने हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को तैयार करने के लिए हम सबसे पहला यहाँ पर इंग्रेडिएंट लेंगे, वो है दोस्तों नींबू। जी हाँ, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो कि आपके गंदे पीले दांतों को बिल्कुल मोती की तरह सफ़ेद और चमकदार बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पर हम लेंगे एक नींबू का टुकड़ा और इसमें इसका जूस मात्र 1 से 1.5 चम्मच की मात्रा में हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस नींबू के जूस को इसमें ऐड कर लिया। इसके बाद से हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे, वो है दोस्तों अदरक। जी हाँ, अदरक में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। इस अदरक की मदद से हम अपने गंदे पीले दांतों को तो साफ करेंगे ही, साथ ही साथ दांत के अंदर जो भी कीड़े होते हैं उन्हें पनपने से ये रोकता है। तो यहाँ पर हम लेंगे अदरक और इसका पेस्ट हम इसमें मात्र 1 चम्मच की मात्रा में इसमें ऐड कर लेंगे। दोस्तों, आप इस अदरक को आसानी से बाज़ार से खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगभग 1 चम्मच की मात्रा में इस अदरक के पेस्ट को इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद से हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे, वो है दोस्तों हल्दी पाउडर। जी हाँ, हल्दी पाउडर हमारे गंदे पीले दांतों को बिल्कुल मोती की तरह सफ़ेद और चमकदार बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पर हम मात्र थोड़ी सी मात्रा में ले लेते हैं हल्दी पाउडर। इसके बाद से हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट और लास्ट इस्तेमाल करेंगे, वो है दोस्तों नमक। जी हाँ, आप अपने घरों में जो नमक इस्तेमाल करते हैं उसी नमक को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस नमक की मदद से हम अपने गंदे पीले दांतों को बिल्कुल आसानी से इसे मोती की तरह सफ़ेद और चमकदार बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन सारे इंग्रेडिएंट को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, नुस्खा बिल्कुल ज़बरदस्त होगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपके दांत से संबंधित कोई भी समस्या है तो ये बहुत ही आसानी से दूर करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमें इस नुस्खे को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इस नुस्खे का इस्तेमाल आपको हफ्ते में 3 से 4 दिन तक करना है। अगर आप मेरे बताए अनुसार इस नुस्खे का इस्तेमाल ब्रश की मदद से अपने दांतों के ऊपर करते हैं तो आपके जो गंदे पीले दांत हैं वो बिल्कुल मोती की तरह सफ़ेद और चमकदार हो जाएंगे, साथ ही साथ आपके दांत में जो भी दर्द की समस्या है वो भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारी जानकारी यही तक। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।